चुनाव से पहले मुश्किल में कांग्रेस, मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी में जाने को लेकर क्या बोले तिवारी, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस की आए दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसको सियासी तौर पर हर दिन कोई ना कोई झटके की खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर सियासी बवाल मचा है, तो वहीं अब एक और खबर सामने निकल कर आई है। कमलनाथ के अपने बेटे समेत कई कांग्रेसी नेताओं के साथ बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, तो वहीं अब कांग्रेस को पंजाब में भी बड़ा झटका लगने वाला है। सूत्रों की माने तो पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि वह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार मनीष तिवारी आनंदपुर साहिब की जगह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मामले को लेकर तिवारी के कार्यालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। आज तक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मनीष तिवारी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें निराधार हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और वहां विकास कार्यों को देखरेख कर रहे हैं। शनिवार रात ही वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर रुके थे। बता दें कि मनीष तिवारी एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और 17वीं लोकसभा में आनंदपुर साहिब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 2012 से 2014 तक सूचना और प्रसारण मंत्री और 2009 से 2014 तक लुधियाना से सांसद भी रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनाव को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने के लिए देश की यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी ओर आए दिन कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। कांग्रेस हर दिन टूटती जा रही है। हाल के दिनों में कई कांग्रेसी दिग्गज पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक चौहान ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ लिया था। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वो दो बार सांसद भी रह चुके हैं। बावन कुले ने अशोक चौहान के गले में भगवा डालकर पार्टी में उनका स्वागत किया था। अशोक चौहान ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों में साथ देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने इसके लिए बीजेपी नेताओं को धन्यवाद भी दिया था। बहरहाल सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं और कुछ ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक भी कर दी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार दिग्गज नेताओं के पार्टी को साथ छोड़ने के बीच अब पंजाब में भी कांग्रेस को झटका लगने की बात कही जा रही है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।